हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लाइफ। मैं हूं वर्षा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूं जो कि बहुत यूजफुल है। आपकी एज कुछ भी है, लेकिन सर्दियों में सबको बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन जरूर हो जाता है। बुजुर्गों को जोड़ों में बहुत तकलीफ रहती है, बच्चों में हमें उनको रेगुलर मालिश करनी होती है। गर्मियों में तो नारियल का तेल बहुत बेस्ट रहता है बच्चों की मालिश के लिए, लेकिन सर्दियों में नारियल का तेल तो जम जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तेल जो कि मैंने घर में बनाया है सिर्फ तीन चीजों से और बहुत इफेक्टिव है। ये एक ऐसा ऑयल है जिसमें हमें बहुत ज्यादा चीजें डालने की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बनने के बाद इसका इफेक्ट इतना अच्छा आता है, बस रात को आपको इसको मालिश करके सो जाना है। ये देखिए, ये पूरी बॉटल मैंने बनाई है और बहुत ही कन्वीनियंट और आसानी से ये बन जाता है। आप इसे रात को मालिश करके सो जाइए, जहां भी आपको तकलीफ है बच्चों को अच्छे से इसकी मालिश कीजिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बहुत ही गर्म प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते और चलते हैं मेरी किचन में और देखते हैं कि कैसे बनाना है ये बढ़िया सा होममेड मसाज ऑयल। तेल बनाने के लिए मैंने एक ये पैन रख लिया है और अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये 3/4 कप सरसों का तेल। ये रेमेडी हम सिर्फ सरसों के तेल से ही बनाएंगे और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 4 से 5 कलियां लहसुन की। लहसुन को मैंने छील लिया है, आप कलियां उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर पतली और छोटी कली है तो आप 2-3 कलियां बढ़ा सकते हैं। साथ में इसमें मैं डालूंगी 10 दाने लौंग। अब इसको फुल फ्लेम पे हमें तब तक गर्म करना है जब तक कि लहसुन पूरी तरह से जल नहीं जाता। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है और आप देख सकते हैं कि लहसुन कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल जल चुका है और लौंग भी पूरी तरह जल गए हैं। बट इस तरह से इस करने के लिए लहसुन और लौंग का पूरा तरह से असर आ चुका है इस ऑयल में। अब हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे लाके, फिर आप इसको स्ट्रेन करके किसी एक बॉटल में भर के रख सकते हैं। ये लीजिए, तैयार है ये मैजिकल बढ़िया सा तेल जिसे आप बना के इस तरह स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी खाली ऑयल की बॉटल में और आप इसको यूज कर सकते हैं पूरी सर्दियों तक। आप छोटे बच्चों की 6 महीने या उससे बड़े बच्चों की भी मालिश इस ऑयल से करेंगे तो बच्चा अगर अभी तक चलना नहीं शुरू किया है, 8, 9, 10 महीने का हो चुका है तो बहुत जल्दी वो चलने लगेगा। आप उसकी थाइस में, लेग्स में बहुत अच्छे से इस ऑयल की मसाज कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल ऑयल है। पीरियड्स में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। पीरियड्स से पहले अगर बहुत ज्यादा पेन होता है आपको कमर में, थाइस में, तब आप इस ऑयल से मसाज कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। आप बुजुर्ग हो चुके हैं, हड्डियां, नी, शोल्डर्स, बैक, कहीं भी अगर आपको पेन होता है तो इस ऑयल से रात को मसाज करके सो जाइए, ये बेस्ट रिजल्ट देगा सुबह तक। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलती रहूंगी आपसे बढ़िया सी वीडियोज के साथ, तब तक बाय।